आज इस वीडियो में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ले रहे हैं 52, बोलता है अमल बिमल एंड कमल आर थ्री पार्टनर्स ओन 1st April 2018 देयर कैपिटल स्टूड एज अमल 40,000 बिमल 30,000 एंड कमल 25,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट ए दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, बी अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 250 पर मंथ, सी बिमल वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, डी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। उसके बाद बोलता है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 वाज 33,360। प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। चलो जी, अब बोलता है कि यहाँ जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है इस साल वो 33,360 हुआ है। तो बाई नेट प्रॉफिट 33,360 बोलता है ये बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर आपका सैलरी टू पार्टनर, बिफोर कमीशन टू पार्टनर, बिफोर है ठीक है, हमें बिफोर ही चाहिए, आफ्टर होता तो हमको वापस जोड़ना पड़ता जो घटाया था। आगे चलते हैं, अब बोलता है कि आपको देना है इंटरेस्ट 5% ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो यहां अमल बिमल और कमल इनकी कैपिटल थी 40, 30 और 25। अमल बिमल और कमल 40 का 5% आया 2,000, 30 का 1,500 और 25 का 1,250, तो 4,750 का तो इंटरेस्ट निकल गया उसमें से। इसके बाद सेकंड कंडीशन है इनकी डीड में के अमल को सैलरी देंगे 250 पर मंथ ठीक है, तो टू सैलरी टू अमल 250 पर मंथ, तो इनटू 12 कर देते ताकि साल भर की सैलरी निकले भाई 3,000 रुपए। इसके बाद चलते हैं, बोलता है कि आपका बिमल वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 4% और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। बोलता है कि बिमल को कमीशन मिलेगा ठीक है, तो टू कमीशन टू बिमल, लेकिन किस प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट है उसमें से ये तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और खुद इसका कमीशन जो भी कैलकुलेट भी नहीं हुआ वो लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 4%। तो देखो यहां पर पहले हम ये निकालते हैं कि 33,360 रुपए जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से पहले हम सैलरी लेस कर देते हैं और ये लेस कर देते हैं आपका क्या, आपका इंटरेस्ट ठीक है, तो ये 7,750 रुपए टोटल बनता है इसका, इसको लेस किया हमने तो ये आपका आया 25,610 रुपए जो है हमारे ये बचे आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट। अब बोलता है कि कमीशन कैलकुलेट करना है जिसमें से सैलरी भी लेस हो चुका हो, इंटरेस्ट भी लेस हो चुका हो और ये कमीशन भी लेस हो चुका हो जो हम बिमल को दे रहे हैं। खैर तो ये कैसे कैलकुलेट अभी लेस कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी तो हमारे कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो रेट हो उसको नीचे 100 में हम जोड़ देते हैं ठीक है, तो अगर 10% होता तो 10/110 करते, 5% होता तो 5/105 करते ओके। अब जितना प्रॉफिट है ये 25,610 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 985 रुपए हमारा क्या आ गया, कमीशन टू बिमल ओके, कमीशन भी दे दिया जी। चलो अब ये जो बचा आपका 5, ये आपका बचा 2 और 15 में से 9 गए 6, 24,625 ये है डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हमें हुआ था उसमें से सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, कमीशन दे दिया, उसके बाद जो बचा ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका 10% हमें क्या करना है, रिजर्व में डालना है, मतलब कि 2,462.50 रुपए ये रिजर्व रखना है और बाकी को प्रॉफिट सेल रेशियो में बांट देंगे ठीक है जी। पहले हम कमीशन दे देते हैं 985 रुपए, उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं जी, कितना करना है हमको 10% किसका, इसका, तो वो था आपका 2,462
62.50 रुपए। अब इसको टोटल करते हैं तो 33,360, 33,360, ठीक है। इसमें से ये लेस होता है तो हमारा जो प्रॉफिट आता है वो आता है 22,162.5, ठीक है जी। ये अब डिविजिबल प्रॉफिट है, ये बटेगा, ठीक है, इसे बांट दो। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां इसको मिटा देता हूं, तो अमल, विमल और कमल तीनों में इसको हम बांट देते हैं। रेशो इक्वली है इनकी, तो इसको डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये हमारा आता है 7388, 7388 और 73 आपका करीब करीब 87, ओके, इस तरह से बट गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दी थी इनकी, बोलता है कैपिटल है आपकी 40,000, 30,000, 25,000, 40, 30 और 25 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500, 1,250। फिर देते हैं हम सैलरी, सैलरी किसको देनी है हमको, पहले पार्टनर को 3,000 रुपये। इसके बाद हमें देना है कमीशन टू बी, ये है आपका 985 रुपये। इसके बाद रिजर्व से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिजर्व तो हमने फ्यूचर के लिए रखा है संभाल के, वो बटेगा नहीं। फिर आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7388, 7388 और 7387, बस और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ड्राइंग तो शायद क्वेश्चन में दी नहीं है, नहीं ड्राइंग नहीं है, बस। अब इसको टोटल कर देते हैं तो ये हमारा आता है 388, 7 और 3, 10 और 2, 12, 52,388। टू बैलेंस सीडी 52,388। अब इसको टोटल करते हैं 8, 5, 13, 1, 8, 16, 17, 1, 6, 6, 9, 15, 15, 3, 18, 1, 9, 3, 39, 873। अब इसको यहां ले आते हैं 39,873। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इधर चलते हैं 7, 8, 5, 13, 1, 3, 3, 6, 6, 7, 13, 1, 33,637, 33,637, 33,637। तो 33,637, इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 53। बोलता है अमित, बिनीता, चारू आर थ्री पार्टनर्स ऑन 1st April 2018, देयर कैपिटल्स स्टूड एज अमित ₹1,00,000, बिनीता ₹2,00,000 एंड चारू ₹3,00,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट ए दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, बी अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, सी बिनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, एंड डी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 2019 वाज ₹5,00,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ₹5,00,000 का इस साल इस फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो ठीक है बाई नेट प्रॉफिट ₹5,00,000। अब बोलता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपने 5% पर एनम। तो यहां है ये अमित, बिनीता और चारू, अमित, बिनीता और चारू। अब इनकी जो कैपिटल थी क्वेश्चन में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 है, तो 5% हुआ 5,000, 10,000 और 15,000, मतलब कि 30,000 तो इंटरेस्ट दे दिया हमने इस 5,00,000 में से।
फिर बोलता है कि अमित को सैलरी भी मिलेगी 10,000 रुपए पर मंथ। ओके, तो टू सैलरी टू अमित आपका 10,000 रुपया पर मंथ, तो 1,20,000 तो हमारी सैलरी के भी निकल गई। अब बोलता है कमीशन देना है 10% नहीं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हुआ है हमें 5,00,000 रुपए का, ये नेट प्रॉफिट है और इसी नेट प्रॉफिट पर हमें कमीशन देना है। इसको देना है जी विनीता को। ओके, तो अब बोलता है कि ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, इसका कमीशन देना है 5% लेकिन आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग के लिए अभी मैंने बताया क्या कि 100 में नीचे आप इस रेट को जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 23810 23,810 रुपए। ठीक है, तो यहां कमीशन दे देते हैं, तो टू कमीशन टू विनीता 23,810। ओके, अब बोलता है कि 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, इस बार नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 5,00,000, तो इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। 10% ऑफ 5,00,000 कितना 50,000। अब देखो पिछले क्वेश्चन में तो उसने कहा था डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो हमने नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस जो थे एक तरह से पार्टनर को जो हम दे रहे थे लेस करके जो डिविजिबल प्रॉफिट था उसका 10% निकाला था, लेकिन इस बार वो डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं बोल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोल रहा है क्वेश्चन में, ये फर्क है। ठीक है, खैर 50,000 हमने दे दिया। अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो 5,00,000 ठीक है, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा हमारा 276190 276190, इसे पार्टनर्स में बांट देते हैं हम, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आपका अमल विनीता और ऋचा इनकी रेशो क्वेश्चन में है, रेशो तो दी नहीं है इसका मतलब इक्वल है। ठीक है, उसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो ये हमारा एक का आता है 92063 92063 92064 कर देते हैं। ठीक है जी, ताकि ये हमारा इक्वल हो जाए। अब बस अब पार्टनर्स हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैलेंस बीडी से। तो बाई बैलेंस बीडी इनकी कैपिटल थी 1,00,000 2,00,000 और 3,00,000। ठीक है जी, इसके बाद बोलता है आप इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 10,000 और 15,000 हमने दे दिया इंटरेस्ट। इसके बाद हम देते हैं सैलरी, सैलरी दे रहे हम अमित को कितना 1,20,000, बाकी का सैलरी से कोई मतलब नहीं। अब है कमीशन, कमीशन हम दे रहे हैं विनीता को कितना 23,810। रिजर्व हमारा बटेगा नहीं क्योंकि तो हमने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, इसको आज नहीं बांटेंगे। तो हमारा आ गया अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है जी ये प्रॉफिट, तो अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं 92063 92063 और 92064। अब देखते हैं क्वेश्चन में वो ड्राइंग है क्या, तो ड्राइंग तो है नहीं, बस अब बैलेंस कर लेते हैं इसका करते हैं जी। तो पहले इसका आ गया 63, इसका 0, 5 और 2 7 2 9 11 1 317,063। इसका करते हैं 3 7 8 आपका 3 और 2 5 ये है 1 और 2 3 9 12 1 325,873। इसको कर देते हैं 64 तो सीधा ही आ गया। अब 5 और 2 7 9 और 1 10 4,07,064। अब इसको इधर ले आते हैं 31 73 62 58 73 40 70 64 टू बैलेंस सीडी 3,17,063
3,25,873 और 4,70,7,064। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 54। बोलता है अनीता, बिमला एंड चेरी आर थ्री पार्टनर्स। ऑन 1st April 2018 देयर कैपिटल स्टूड एज अनीता ₹1,00,000, बिमला ₹2,00,000, चेरी ₹3,00,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट ए दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम, बी अनीता वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, सी बिमला वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, एंड डी 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आगे बोलता है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 2019 आर ₹5,00,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। चलो जी, क्वेश्चन बोलता है कि इस साल इस फर्म को ₹5,00,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पर 5% पर एनम। तो ABC ही पार्टनर है, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि 5,000 ए को इंटरेस्ट, बी को 10,000, सी को 15,000, कुल मिला के ₹30,000 का इंटरेस्ट चला गया 5,00,000 में से। फिर बोलता है अनीता को सैलरी भी देनी है ₹5,000 पर मंथ, ठीक है। तो टू सैलरी टू अनीता कितना, 5,000 पर मंथ, मतलब कि ₹60,000 का हमारा अमाउंट बना सैलरी का। इसके बाद बोलता है बिमला वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। इस साल जो प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, उसका 5% कमीशन, लेकिन कौन सा कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, ओके। तो उसके लिए हम नीचे जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 23,810 पिछले क्वेश्चन की तरह। तो उसको हम लिखते हैं टू कमीशन टू बिमला 23,810। अब यहां पर लिखते हैं टू जनरल रिजर्व, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% तो हमें रखना है रिजर्व के लिए। तो ₹5,00,000 हमारा प्रॉफिट हुआ था। ये सारी चीजें जो है हमारी कितनी बन रही है, तो ये हमारा बना 11,38,10, मतलब कि 1,13,810। अब इसको लेस कर देते हैं जी, तो 190 ये 6, 9 में से एक गया 8 और 3,86,190 ये हमारा अब है डिविजिबल प्रॉफिट। इसका बोलता है जी 10% रिजर्व मेंटेन कर लो, ठीक है जी। तो इसका 10% कितना हुआ आपका 38,619। इस 38,619 को लेस करने के बाद, जो जनरल रिजर्व है उसको लेस करने के बाद, बाकी जो बचेगा पार्टनर से बट जाएगा, ठीक है। तो यहां बचा आपका ये 11 में से 6 गए 5, ये आपका बच गया 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 3 4, 3,47,571। तो यहां पहले हम लिख देते हैं अपना रिजर्व, 38,619 रिजर्व निकाल दिया, बाकी 3,47,571 डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, जिसे हम बांट देते हैं पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, ठीक है। इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इक्वल पार्टनर है। तो एक यूनिट आएगा 1,15,857, ठीक है जी। तो ये अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, ओके। अब बात ये है हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए बोलता है कि आपका बैलेंस BD है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। तो 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000 की इनकी कैपिटल है। अब यहां से ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को 5,000, 10,000, 15,000। फिर बोलता है सैलरी दे दो जी पार्टनर को, किसको, ए को 60,000,
इसके बाद बोलता है कमीशन दे देते हैं जी विनीता को, था ये 23,810। इसके बाद रिजर्व तो हम बांटेंगे नहीं क्योंकि तो फ्यूचर भी रखा है हमने, प्रॉफिट बांट देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका प्रॉफिट है ये सबका बराबर है 1,15,857। ठीक है, और तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, ड्राइंग होते तो यहां लिख देते, खैर इसमें है नहीं। तो यहां अब 857, 5 और 5 10, 1 7 और 1 8, 2,80,857 यहां लिख देते हैं, 2,80,857। टू बैलेंस सीडी, इसके बाद इसका देखते हैं जी, तो यह है 7 6 8 2 16, 1 4 5 9, 1 और 2 3 और 1 4, और ये 3,49,667, 3,49,667 ये हो गया जी। अब इसका कर देते हैं 5 7 8 0 2 और 1 3 4, 4,30,857, 4,37,30,857। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।